ठीक है, आपसे सवाल पूछ लिया है कि चलिए अच्छा भाई ये बताइए हमें इंडिया कौन से महाद्वीप में है। ये हमें पता एशिया में। आपसे पूछ लिया जाएगा एशिया कौन से ऐसे महाद्वीप से जुड़ता है, कनेक्टेड है। आप कह देंगे कि यूरोप से। आप इसी में और पूछना हो तो वो पूछ देगा यूरेशिया किसको बोलते हैं भैया। यूरे यूरोप हो गया, एशिया एशिया हो गया। ठीक है, क्यों अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम एक प्लान बना रही है कि एक यूरेशिया के नाम से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंडिया आज ये मेंबर के रूप में इन्वॉल्व। आप समझ रहे हैं, तो जब हम पढ़ेंगे जैसे पढ़ेंगे, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे रिपीट कर रहे हैं, हम उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे और नई चीज़ सीखेंगे हमेशा। जैसे मैंने मान लिया कि इस समय आज तो भी क्लास लेके बैठा हूँ, फिर रूम पे गया था, फिर आया तो पेपर नहीं पढ़ पाया, हल्का सा देखा था, कई आर्टिकल्स आए हुए हैं। और इस समय जो आर्टिकल्स हैं ज़्यादातर फोकस किस पे कर रहे हैं, फोकस मतलब ज़्यादा ध्यान किस पे दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान देखिए होता क्या ना, कुछ समय के लिए ट्रेंड चलता है, कुछ समय के लिए ट्रेंड ये चलता है, इसमें चुनाव चल रहे हैं, अब हर पेज पे देखेंगे चुनाव ही चुनाव है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा चल रही है, तो नरेंद्र मोदी की अलग एक यात्रा चल रही है, तो हम ऐसा क्यों देख रहे हैं, दो ही पार्टी चल रही हैं, एक राहुल गांधी कांग्रेस की और एक जो कि नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को लोग ज़्यादा जान रहे हैं, बीजेपी को कम जान रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस को लोग भुला करके राहुल गांधी को जान रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस पार्टी में अगर कोई बड़ा है, इन्फ्लुएंसियर है, वो राहुल गांधी कांग्रेस से हैं, नरेंद्र मोदी जो है कि बीजेपी से हैं। अब समझिए कि आप इमेजिन करिए कि अगर हम राहुल गांधी को भी बैठा दें, मोदी को भी कर, आप प्रचार मत करिए, आप लोग रिटायरमेंट लीजिए, आप सोचिए कि क्या बीजेपी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी, कांग्रेस भी उतना अच्छा परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस समय चुनाव है, ये आइडियोलॉजी से जा करके इंडिविजुअल के आधार पे है, एक व्यक्ति के विशेष पे है। आप समझ रहे हो? दूसरी चीज़, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जैसे वायानाड, अमेठी थे पहले शायद राहुल गांधी की सीट, स्मृति ईरानी ने हरा दिया, फिर ये यहाँ पे चल गए वायानाड चले गए, वो कई स्टेट से मिल करके बन रहा वायानाड। तो वायानाड एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यूपीएससी ने आईएएस में सवाल पूछा था उसी साल 2019 में ही, 2019 में ही सवाल पूछा, कोविड आया था ना उस साल, उस साल सवाल पूछा था को लेकर के वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से स्टेट से जो कि कनेक्ट होती, बहुत से लोगों को पता नहीं, लेकिन जो यूपीएससी वाले पढ़ने पढ़ाने वाले थे वो पता था कि वायनाड न्यूज़ में क्यों है, क्यों था न्यूज़ में, राहुल गांधी वहाँ से। फिर उसी से जुड़ करके आपको वेस्टर्न घाट का पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो फोकस करें, सबसे पहले इस समय चल रहा है आपका नंबर एक की भी बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनाव चुनाव बॉन्ड है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। लाया गया 2017 में, 2017 में लाया गया, पहली चीज। अब इसमें आपका 2023 में सुप्रीम कोर्ट अपना धीरे धीरे वर्डिक्ट सुनाना शुरू की, और अभी ला करके आपका 2024 फरवरी 15 को उसने कहा किससे, एसबीआई से, या ऐसा है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड 2019 से लेकर 24 तक बेचे गए हैं, खरीदे गए हैं, सबका डिटेल दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से पावर मिलती है ये कि सबको कह दे भैया आप ये करो, ट्रिपल तलाक पे बोल दी सरकार को कि आप करिए नहीं तो हम कदम उठाएंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो ये शक्ति मिलती है कोर्ट को कहाँ से मिलती है, के लिए हमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? और इसके बाद जितनी केस हुई है, जैसे मान लीजिए कोई केस जाता है सुप्रीम, अच्छा जजमेंट आ जाता है, निर्णय आ जाता है, तो वो क्या कहता है, एक लैंडमार्क बन जाता है ना। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि मंडल कमंडल की राजनीति, आप लोग
पैदा नहीं हुए होंगे आप लोग, हम भी नहीं थे। और ये 1980 के दशक में आया था, ठीक है। एक सबक मंडल था, एक तरफ का मंडल था। मंडल का मतलब है कि मंडल कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था। मंडल एक व्यक्ति करते थे, उनकी अध्यक्षता में एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कमीशन बनाया गया था। आप जो समाज में पिछड़े लोग हैं उनके लिए, उनका जो कि आप एनालिसिस करिए, और एनालिसिस करने के बाद आप हमें बताइए कितने लोगों को रिजर्वेशन। एक तरफ तो मंडल चल रहा था, दूसरी तरफ कमंडल चल रहा था। कमंडल का मतलब ये था कि जो कांग्रेस लेकर के चल रही थी, ठीक है। तो ये फिर अभी बाद में बात आ गई, अभी जो जब आपका EWS के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया, कि मराठों को अभी 10% रिजर्वेशन दिया गया, तो वो चीज़ 20 साल पुराना भेज दिया, ठीक है। आ गया हमारे पे, ठीक है। तो आ गया, मैं आपको ना 1 मिनट के लिए तो जो है कि मैं वो दिखाऊंगा, तो आपको एक एनालिसिस होगी कि तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम कभी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, कहीं पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, कहीं हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कहीं राजनीति पढ़ा रहे हैं। तो आपको मैं कभी भी ये नहीं बांध के रखूँगा कि यही सब्जेक्ट पढ़ना है। करंट अफेयर स्टैटिक्स का लेकर के चल रहे हैं, जो आपका समसामयिक होता है उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे अभी उसको हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी इतना बड़ा भारत का जो सबसे बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाती है ऑर्गेनाइजेशन, देख रहे हो, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2022 का अभी हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें हम आपको चाहें तो क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। आप लोगों ने विकास विकृति का नाम सुना है? विकास विकृति तो बड़ा प्रवचन वगैरह देते हैं, कहते हैं ना कि हम हिंदी मीडियम के वो हैं, ऐसे हैं वैसे। ये जो एग्जाम होता है केवल इंग्लिश मीडियम में ही होता है, ठीक है। यही नहीं, UPSC कई एग्जाम ऐसा करवाती है कि वो इंग्लिश भाषा के अलावा कोई और भाषा नहीं जानती। कई एग्जाम का मैं नाम बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, जैसे ये है आपका इंडियन जियो साइंटिस्ट का, ठीक है। फिर एक होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का होता है, फिर आपका होता है इंडियन स्टैटिक्स सर्विस का होता है। तो बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं कि हिंदी होती नहीं है, केवल केवल इंग्लिश होती है। तो अब ये बताइए, कोई लड़का अगर मान लीजिए जो फिजिक्स से अगर MSc कर ले हिंदी मीडियम से, तो वो एग्जाम को क्लियर कर पाएगा? आप विकास देवकृति आप ये कैसे कहते हैं भैया हम हिंदी मीडियम को प्रमोट कर रहे हैं? भैया पहले वहाँ सुधार कर दिए कि हिंदी मीडियम में भी पेपर छपवाइए आप। जैसे IAS का एग्ज़ाम होता है या CDS या NDA का होता है, तो उसमें क्या होता है, दोनों भाषा में होती, लैंग्वेज में होती है। UP पुलिस का भैया उसमें भी दोनों लैंग्वेज में हुआ, तो सब एग्ज़ाम होना चाहिए ना लैंग्वेज में। भैया अब ऐसा क्यों कर रहे हो? है अब यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मल सा है, देख रहे हैं इसमें कह रहा है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल द मैटर यूजली इंक्रीज विद द राइजिंग द टेम्परेचर फॉलोइंग फिनोमेना। अब ये कह रहे हैं कि जब पानी को हम गर्म करते हैं, हम लोग देखते हैं पानी गर्म, तो उसमें बुलबुले निकलते हैं, बहुत से इधर उधर भागते हैं उसमें पानी। हम ऐसा जब करते हैं तो इनमें कौन सा एक्टिविटी होती डेली हम लाइफ में यूज कर रहे हैं अपने? पहली चीज कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लेटेस्ट डेंसिटी एट द रूम टेम्परेचर। अब इसमें हम मिल्क को भी जान रहे हैं, रेड सॉयल, आयरन, सबको जान रहे हैं। ये पूछ रहा है कि रूम टेम्परेचर, पहली बात हमें रूम टेम्परेचर पता होना चाहिए, 20 सेंटीग्रेड होता है, 25, 20 से 25 जो होता है ना उसी को हम औसत रूम टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। अब ये कह रहा है कि इनमें कौन सा सबसे, यहाँ पे देखो लिस्ट लिस्ट डेंसिटी। अब और आगे अगर चल करके बात करें, आगे हम बता रहे हैं आपको, फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल चेंज के बारे में पूछ, ठीक है। आपने कोई और पेपर भेजा है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें
2024-16 सर, ये भी चलिए। मैं देखिए आपको कई साल का जो कि यहाँ पे सवाल लेकर के आपको बता रहा हूँ, और आपको एक चीज़ एनालिसिस होगी, जब इतने बड़े एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको एक सवाल भी लिख करके दे रहा हूँ, इसको सोचिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये हो गया, लिख लीजिएगा क्वेश्चन को, अब सोचिएगा, ठीक है? जबकि आप जानते होंगे, ठीक है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए अभी इसमें इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं मैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बात समझ गए? अब देखिए ऑप्शन ये है, पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, मोदी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, बिलोंग टू उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकसभा क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश है। पहला सवाल, दूसरा सेम है, कॉन्स्टिट्यूएंसी यूपी की जगह हम वाराणसी लिख दे रहे हैं। तीसरा, लखनऊ लिख दे रहे हैं, और डी में हम इसमें नन लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बस इतना बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखिए, आप कहेंगे कि चलिए तो वाराणसी से आते हैं, मान लीजिए ये स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो आप क्वेश्चन छोड़ देंगे या फिर इसको लगाएंगे? इसको लगा सकते हो। अगर मान लीजिए कोई लड़का अगर उत्तर प्रदेश लिख देता तो गलत होगा, क्योंकि वाराणसी भी तो उत्तर प्रदेश में आता है, बात समझ रहे हो? उसके बाद इसको नहीं मान सकते, क्यों? यूपी में ही है, लेकिन लखनऊ का एक अलग कंस्टिट्यूएंसी है, जिसमें राजनाथ सिंह शायद यहाँ से एमपी हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर। तो लड़ाई, अब एक बच्चा इसको क्लिक करता है, एक इसको करता है, ये कहेगा कि वाराणसी भी तो यूपी में आता है, ये कहेगा कि नहीं ये तो वाराणसी दिया ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा? जो पेपर सेट करेगा, तो गलती तो उसकी है कि भाई को सवाल में आपने क्लियरिटी नहीं दिया, तो हम कैसे मान लें भाई आप इसको माने थे या इसको माने थे? एक तो ये है कि एग्जाम होने से पहले ही आप उत्तर जो है कि मार्क करके रखे थे, भैया हम इसको जो है कि ए माने थे या डी माने थे, अब तो सही हो जाएगा। ये आप कहे कि एग्जाम हो जाए उसके बाद आप उत्तर दे रहे हो, ये भी तो गलत है। तो आपको जब एग्जाम देते हैं या फिर जब नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें लिखा होता है अप्रोप्रिएट आंसर। अप्रोप्रिएट का मतलब है जो सब में ज़्यादा सही हो। सकता है कि चार विकल्प दिया जाए, उसमें से सभी सही हो, कोई 10% सही हो, कोई 20%, कोई 50, कोई 90 हो, कोई 100% हो, हम ऐसे ही करते हैं। तो ये तरीका है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे यूपी पुलिस में मेरी भी गार्डिंग लगी थी, जब वहाँ पे गया मैं तो लड़का कह रहा है सर हाँ ये तो, हो सकता है कोई गलती हो, क्योंकि कई बच्चों का ना जो पेपर था वो कट गया था, उनके में जो पैसेज वाला था आधा था ही नहीं, तो उनको बाद में कॉपी दी गई थी एक अलग से कि आप पूरा। कह रहा है कि इसमें जो है कि जो विकल्प दिया गया है गलत है। हम क्या रहे, इतना विद्वान हो तो सही खोज लो, ये जब तुम्हें इतना पता है कि गलत है तो खोज लो। तो कहे कि क्या करे सर, लगा दे तुम, क्या आपका सवाल है
आपका भविष्य है, मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला, ठीक है। और ऐसे ही जब मैं कॉलेज में था तो कोई गया था पेपर देने, तो उससे पूछा हुआ था इनमें से कौन सा मरुस्थल नहीं है। अगर पिछले 10 बार का अगर पेपर देखे होंगे, ऐसे सवाल पूछे गए थे, उसमें से पूछा हुआ था कि इनमें से निम्न में से कौन सा मरुस्थल, मरुस्थल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेजर्ट, डेजर्ट नहीं है, ठीक है। उसमें एक दिया था आपका सहारा, और ये हो गया, ये भी हो गया आपका, एक वो भी दिया था, ये दिया था आपका थार, इसमें एक और करके दिया था नन करके, मतलब ऐसा करके। तो वो आया तो मुझसे मेरे रूम पे, तो कह रहा है कि भाई देखो ये तो, ये वाला मेरा सही है, ये वाला सही है, यार ये वाला तो सही नहीं होगा तुम्हारा। कहा क्यों? मैंने कहा यार ये सब मरुस्थल हैं, सब डेजर्ट हैं। अबे तुम पागल हो, ये गोभी जो है ना, ये खाने वाली गोभी है, समझ रहे हो, लेकिन ये आपका डेजर्ट है। पता है कहाँ पे? ये मंगोलिया में पड़ता है, मंगोलिया में। तो इस वजह से आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो के अगर एग्जाम हॉल में जाएंगे, यही होगा कि आप ज़्यादा जान रहे हो, बाहर निकलेंगे तो लिस्ट में भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो जब हम एग्जाम में जाते हैं ना, तो हम ये अपने दिमाग में बैठाते हैं, जितने बच्चे बैठे हैं हम उनसे अच्छे हैं, लेकिन जो पेपर सेट किया है उससे आगे नहीं है, क्योंकि हमें 2 घंटा मिला है, लेकिन उसको 2 महीना मिला होगा पेपर सेट करने के लिए एकदम कूल माइंड से। हम तो यहाँ प्रेशर में आए हैं, घर से खाना भी नहीं खाए, वैसे भाग के आए हैं, 2 दिन से सोए नहीं, लेकिन उनके अंदर तो ऐसी घबराहट नहीं है, वो गलत नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि कोई काम चोर होता है अधिकारी, तो वो उल्टा सीधा कर देता है, ठीक है। तो ऐसे जो सवाल होते हैं, तो जब आपको लगे कि नहीं ये सवाल ही गलत है, तो अपने आप को बोलिए कि हम कम जानते हैं, हम जो एग्जाम से पेपर सेट किया उसके हिसाब से सोचें। हो सकता है वो भी आ रहा, तो उसको स्पेलिंग तो देख देख लेना चाहिए था, वो भी की स्पेलिंग तो ये होती है ना, PH होगी ना, अरे हिंदी में भी गोभी ऐसे ही लिखी जाती है ना शायद, ठीक है। तो आप पहले अपने आप को प्रूफ कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। यूपीएससी कभी ऐसी गलती नहीं करता, एक बात याद रखिएगा। मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी कि CDS का दे सकते हैं, ठीक है। तो UPSC ऐसा कभी गलती नहीं करती है, नहीं वो जो कि गलत सवाल दे, वो क्या करती है, मैं उसके अंदर की बात बता रहा हूँ। एक चार मैं ऐसा बॉक्स क्यों बनाया, इसलिए ये जो है यहाँ पे, ये 5 ऐसा हॉल बना होता है कमीशन में, और हर हॉल में, एक एक हॉल में ऐसे ही 5 लोगों का, 6 लोगों का एक ग्रुप होता है। तो ये क्या करेंगे, पेपर बनाएंगे, ठीक है, पेपर बनाएंगे और अपने पेपर को पैक्ड करेंगे। 5 मतलब एक व्यक्ति अपना एक करेगा, एक पेपर बनाएगा, तो यहाँ से कितने निकले, 5 पेपर निकला, यहाँ से भी 5 निकला, यहाँ से तो टोटल कितना हो गया, 35 हो रहा है ना। अब यहाँ पे मिक्स कर दिया गया, ठीक। अब किसको पता है कि भाई हमारा पेपर ही छपेगा, किसी को नहीं पता ना, 35 लोग हैं, 35 पेपर बन गया, किसी को नहीं पता है, सब लोग अपने पेपर का जो बनाते हैं आंसर लिख के रखे हो। और यह भी नहीं जरूरी है कि इनको ये पता चले कि नहीं इनका जो पेपर है, ये वाला जो CDS होगा इसी में पब्लिश होगा। ये हो सकता है कि अगले 1 साल के बाद जो एग्जाम हो उसमें पूछ लिया जाए, ठीक है।
क्योंकि आईएएस का एक बार एग्जाम हुआ था 2019 या 18 का था, उसमें जो सार्क सैटेलाइट है, देख रहा हूँ सार्क सैटेलाइट भारत की सैटेलाइट है, जैसे मोबाइल का नेटवर्क होता है, कभी आप वाईफाई 100 मीटर चले जाइए तब भी पकड़ता है, कभी 10 मीटर पे भी नहीं पकड़ता, तो फ्रिक्वेंसी ऊपर नीचे होती है, क्यों होती है, मौसम का होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है उसकी फ्रिक्वेंसी को हम कभी ना कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्लक्चुएट होती है, तो इसलिए किलोमीटर या रेडियस तो फिक्स नहीं होगा ना। तो इसने पूछा हुआ था कि 5,500 किलोमीटर तक इसका रेडियस है केवल, ठीक है। तो पहला चीज़ किया था, और इसमें किया था 76 मेंबर हैं सार्क में, और उसके बाद यह भी पूछा हुआ था कि जो है इसने इंडिया बनाया था पाकिस्तान से मिलकर के, ठीक है। तो उसमें जो नंबर्स दिए जाते हैं यूपीएससी का जितना भी एग्जाम होता है, नंबर्स हमेशा गलत होते हैं, ये हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। कह दिया कि 5 किलोमीटर है, 76 मेंबर हैं, ऐसे सवाल हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं 99%, मान के चलिए ऐसे सवाल गलत होते। तो इस हिसाब से यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर होता है, गलत होने का, लीक होने का चांस बहुत कम, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से यूपीएससी पे कभी सवाल उठा पाना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई उसका पेपर लीक हो जाएगा या फिर उसका पेपर लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे अभी इस समय क्या चल रहा है आपका, आपने बहुत न्यूज़ में अगर पढ़ा होगा, आपने देखा होगा ओपन, ओपन बुक एग्जाम, एग्जाम्स का हो रहा ना, हो रहा भैया, कि जो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के जो लोग हैं, अब उनको बुक्स दे दिया जाए, क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए, अब जो है कि ऐसे एग्जाम लिया जाए, तो जो कमजोर गधे बच्चे होंगे बड़े खुश हो रहे होंगे, भाई कुछ नहीं छापना है। मैं यहीं पे अभी पढ़ाऊं किसी को भी और वहीं से सवाल लिख करके दे दूं, तो जो सवाल का डिमांड होगा वो आप शायद किताब में से ना कर पाए, आप समझ रहे हो। हमने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि वाराणसी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, वहाँ से इलेक्शन जीत करके आए, और हमारा जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है कुछ जैसे मैंने बनाया था वैसे कर दूँ, तो कोई सॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इस हिसाब से हमारा जो स्टडी होगा हम ऐसे ही कुछ कर करके चला करेंगे, और मुझे उम्मीद है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को आज जो है कि मोटा मोटी ज्योग्राफी, क्योंकि मैपिंग बहुत ज़रूरी होती है, जब तक हमें मैपिंग नहीं पता होगा तब तक अगर ना तो न्यूज न्यूज समझ में आएगी हमें, और ना ही जो है कि हमें और भी कोई सब्जेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैप देख रहे होंगे आप, ठीक है, ये विश्व का हमने आपको मैप दिखाने की कोशिश किया, और यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कितने महाद्वीप हैं हिंदी में जो बोलते हैं, और कितनी कॉन्टिनेंट, ठीक है, ठीक, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट है, ये आपका बेसिक मैप लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से हमारा डे बाय डे बिल्ड होते चलेगा, और करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में होता है और स्टैटिक्स को लिंक करके हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे आपका इसको जो बोलते हैं आपको नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका बोलेंगे इसको। इसी के थोड़ा सा और नीचे आएंगे आप, इसको आप बोलते हैं दक्षिण अमेरिका। जब हम बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो हमारा एकदम विजुलाइज होना चाहिए, नहीं यहाँ पे है,
हम इसको क्यों ऐसा बता रहे हैं अभी, क्योंकि आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल चुनाव होने वाला है, ठीक है। तो हम आपको जब बताएंगे यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है, तो हम आपको 1718 का जो कि रसिया अमेरिका जो सिविल वार हुआ था, 13 कंट्री मिल करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाए थे, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। वहाँ से लेकर के हम आज तक आएंगे, जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट बने और अभी जो बनेंगे, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया है, इस इलेक्शन में खून की होली खेलें, ठीक है। इनके समर्थन 2000 समर्थक जो थे 2020 वाले चुनाव में, वहाँ की जो व्हाइट हाउस थी उस पर चढ़ करके आंदोलन कर दिए थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ें ना, इतिहास से लेकर के वर्तमान तक, और इतिहास से वर्तमान तक जुड़ने के लिए हमारे पास भी जो कि एक क्षमता होनी चाहिए, हम उतनी इन्फॉर्मेशन ले करके चल पाए। हमें 50 किलो लेकर के चलना है या 20 किलो लेकर के चलना है बंगला बाजार के यहाँ आना, तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा ना कि हमारी क्षमता कितनी है। तो इस हिसाब से इसको देख लिए। तीसरा जो कॉन्टिनेंट पड़ेगा आपका, इसको अफ्रीका बोलते हैं, बस समझ गए। एक और आएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, जैसे हमने कहा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, कई कंट्री हैं इसमें। आपने कभी देखा ऑस्ट्रेलिया में कितने कंट्री हैं? नाम सुना है? नहीं सुना, क्योंकि ये कंट्री ही खुद अपने आप में कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है क्रिकेट में, बहुत बड़े महारत हासिल कर रखे उन्होंने, ये लगता है कम से कम दर्जनों वर्ल्ड कप जीते होंगे वो लोग। इस साल भी जीते थे ना शायद, यही जीते थे। अब आगे आते हैं, उस जीत का क्या फायदा कि जब हम एक भी नहीं हारे और फाइनल कभी जीत नहीं पाए दो को छोड़ के, तो कोई तो मतलब नहीं है ना। हम भैया पूरे साल हम लोअर क्लास पे रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर वर्ल्ड कप हम जीत के आए तो सबसे बड़ी बात है ना। देखिए जितने भी क्रिकेट होता है सब में होता है, भैया हम टॉप में हैं, टॉप में हैं, टॉप में हैं, उनको जो कि 0-2, 0-3, 0-4 से हरा करके चले आए। भैया आप वर्ल्ड कप में क्या हो जाता है, 10 कंटिन्यू जीत जाते हो, 11th में जब फाइनल में जाते हो हार जाते हो, सब बेकार है ना। भाई आप 10 हार गए होते हैं, हमें वर्ल्ड कप का वो जितवा देते हैं, तो 100 सोनार की एक लोहार वाली बात होती है। यार लोगों ने मेहनत किया, उनका तो मेहनत दिखता है भैया, लोग कहा कि चलो तो बहुत मेहनत किया उन्होंने, अच्छा खेला, हार गए कोई दिक्कत, लेकिन आपका कोई देखता है? तो ये जो कंपटीशन होता है ना, सीक्रेट बैलेट होता है, गुप्त होता है, आपके अलावा कोई नहीं जानता कि आप कितनी मेहनत किए हैं। एक नंबर से फेल होंगे या 100 नंबर से, तब आपको क्या बोलेंगे, फेलर, ठीक है, लूजर। अरे कुछ नहीं कर पाया, नहीं हो पाया, नहीं होगा इसका, पुलिस में भी नहीं होगा तो दरोगा कहाँ से बन जाएगा, कहेंगे लोग ना। तो ये जो कंपटीशन है सबसे बदनाम है, ठीक है। और इस समय पहली बात तो वैकेंसी कम आ रही है, दूसरी चीज़ है जिसको अपना रोल नंबर नहीं खोजने आता है वो भी फॉर्म भर देता है। अब मैं गया तो होता ना, टीचर खड़ा हो जाता है रूम के गेट पे कि भाई कौन बच्चा सही आ रहा है कौन गलत। मैं उनसे रोल नंबर पूछता था, वो हमें रूम नंबर बता रहे थे, रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहे थे, जबकि स्कूल में 4 से 5 जगह बोर्ड लगे होते हैं, दो बाहर लगा होता है, दो अंदर लगा होता है, और एक जो है कि आपके रूम के सामने, के बावजूद भी नहीं खोज रहे हो, आके टीचर के, टीचर का गला खराब हो जाता है। 1,000 रुपया तो मिलता है बच्चे बंदे को, और उसमें पूरी एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, पुलिस का आप लोग फॉर्म भरा, 60,000 सीट पे 60 लाख लोग आए, लेकिन कंपटीशन 60 लोगों से नहीं, 60 लाख लोगों से नहीं है, ये आपका 6 लाख लोगों से। 6 लाख लोगों में भी आपका जो ऐसे होंगे 1.5 लाख 2 लाख, वो आप अच्छे कंपटीटर होंगे वही। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो कि मैं ऑन रिकॉर्ड में नहीं रखूंगा,
पास कर ले गए, ठीक है, तो अगले फेज के लिए आप बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आपका कंपटीशन 60 लाख लोगों से नहीं है, आपका कंपटीशन 1.5 से 2 लाख लोगों वाले से। भीड़ देख के कभी घबराना मत, है वही चीज। फिर यहाँ पे 4 कॉन्टिनेंट हम देखते हैं। फिर ये आपका देखिए, ये एक यूराल माउंटेन है, ठीक है। ये यूराल माउंटेन आपका रसिया में पड़ता है, और ये जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि यूराल कौन सा ऐसा माउंटेन है जो कि एशिया और जो है कि यूरोप को अलग करता है। आप पढ़े हैं यूराल माउंटेन, लगा के चले जाएंगे। जो नहीं पढ़ा है, अब बहुत जटिल सवाल था, कहाँ से पूछ दिया था, लेकिन है तो 2 कौड़ी का ना। अब आपके दिमाग में कभी नहीं ये जाएगा कि भाई यूराल माउंटेन कहाँ पे है। पहला कहाँ पे है, रसिया में है। काम क्या है इसका, जो डिवाइड कर रहा है यूरोप और एशिया को, बात समझ गए। अब वो अलग बात है ये फोल्ड माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन है। जब हम आपको जियो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे ये कैसे डेवलप होता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, हिमालय रीजन में यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया कि सबसे ऊंचा हो गया है? ऐसा तो है नहीं भगवान ने आए ऊपर से इसे खींच करके लंबा कर दिए, आप लोग लंबे हो गए 6 फीट के, मैं जो कि 4 फीट का रह गया। ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर बोझ पड़ गया। कुछ तो प्रोसेस रहा होगा ना, जीन जेनेटिक्स का होता है ना। तो वैसे कोई चीज़ जब होती है उसके पीछे एक होता है। आप पुलिस बनेंगे, दरोगा बनेंगे, लेफ्टिनेंट बनेंगे, तो आपके पीछे सीएस सेंटर दिल्ली ने कुछ काम किया है। 10%, 90% आपने किया है, आप समझ रहे। अब सीएस सेंटर दिल्ली बोले कि नहीं सब चीज़ हमने ही किया है, ये फिर गलत है, ठीक है। जो जेन्युइन चीज़ होती है, जेन्युइन चीज़ का मतलब ये होता है जो आपका आधार होता है उसको कभी मत छोड़िए, आप समझ रहे हो। कि जैसे हमने कहा कि हम ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, अच्छा अच्छा की बुक्स हम पढ़ेंगे तो हमें शर्म आती है, ठीक है। ये नहीं होना, आपको करोल बाग की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के पढ़े होते हैं स्टूडेंट, IIT, NIT, IIM, DU, PHU के पढ़े, बावजूद भी जब बच्चे जाते हैं आपको कक्षा 6 से लेकर के NCERT 12 तक 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, और भविष्य में जब फुर्सत उनको मिलती है तब भी 1-2 बार उसको पढ़ते हैं। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें अपने आप को जस्टिफाई करना होता है कि हम कितने पानी। आपको कोई नहीं बताने आएगा कि भाई कि आप ये करिए या वो करिए, ऐसे करना है वैसे करना है। आप पास होंगे तो आपके भविष्य सुधरेगी, आपके पेरेंट्स की सुधरेगी। भाई हैं 2 साल 4 साल 10 साल 5 साल आपसे कंधा कंधा मिला के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, शादी होंगे, बच्चे होंगे, तो खर्च तो लोगों को कम करेंगे ना, इनको देखेंगे या फिर किसी और को देखेंगे। आप कमा रहे हैं, जा करके ट्रैफिक पुलिस में गए, दिन भर धूल फाक रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों को बेचारों के देखते हो ना, डंडा लेके ऐसे ऐसे करना होता है। यहाँ आधा घंटा ऐसे ऐसे कर दीजिए, पेन होने लगता है, जो समझो कि 8 घंटा करते हैं उनका क्या हालत। तो आप कर रहे हैं, आप पता चले आपका छोटा या बड़ा भाई दिन भर गांव में गुटखा खा के घूम रहा है, तो एक आपको भी बुरा लगेगा ना, हम इसको गुटखा खाने के लिए पैसे क्यों दें, हमारा बच्चा भी तो है यार, उसको पढ़ाना है, हम पुलिस है कम से कम, ये तो SI तो बन जाए। तो ये चीज़ें जब जिम्मेदारी आपकी बढ़ती हैं तो लोगों को लगता है ना कि नहीं अब ये बदल रहा है, समझ रहे हो। तो लोग क्या कहेंगे, लोग तो आप जब सिलेक्शन नहीं पाए थे तब भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ऐसे कुछ पढ़ना है कि हमें बेसिक चीज़ें, जैसे मैंने यूराल के बारे में, तो ये कॉन्टिनेंट आपका यूरोप हो गया और एक हो गया आपका एशिया हो गया, और लास्ट में जो एक बच जाता है आपका ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका मानव नहीं है, ह्यूमन हैबिटाट है ही नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्फ के अलावा कुछ मिलता भी नहीं, लेकिन वहाँ पे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मानव नहीं है, कुछ बम वम फटा तो लोग मरेंगे भी नहीं, 2-4 साइंटिस्ट मरेंगे, हैं? लेकिन अगर दिल्ली में एक्सपेरिमेंट करने लगें तो पटाखा भी की फैक्ट्री में आग लग जाती है, सैकड़ों लोग पार हो जाते हैं।
तो इस हिसाब से कोई एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे एक सवाल और बता दे, हमेशा आप देखेंगे ना जो मिसाइल उसाइल लॉन्च की जाती है हमारे भारत में, ये आपका इंडिया का जो ईस्टर्न घाट पड़ता है ना वहाँ से लॉन्च की जाती है, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। बाई चांस अगर मिस हो जाए तो पानी में ही गिरे, न पता चले चेन्नई से लगा के दिल्ली की तरफ टेस्ट कर रहे हैं। एक बार ऐसे हुआ गलती से, अब ये जो थार डेजर्ट है यहाँ पर आपका पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, इंडिया ने माफ़ी मांगा था कि भाई बाई मिस्टेक कर लिए थे हम, पता चले एक भी बीजेपी का कैंडिडेट ये नहीं कहा कि हमने मिसाइल लॉन्च कर दिया, पता चले दो चार ये भी फेंक देता, क्यों तो जाता ना। तो कुछ चीज़ें बस हमें दिखाने के लिए होती, कुछ चीज़ें क्या होती हैं दिखाने के लिए, रियलिटी को हम नहीं छोड़ सकते। आज अगर युद्ध हो जाए तो नुकसान एक को नहीं होगा ना, आप दोनों लड़ाई कर लें, आप ही का नुकसान, एक जन का नहीं होगा, दोनों जन का हुआ, दांत टूटेगा, पुलिस उठा के ले जाए, घर वाले आएंगे, दो चार 500 आपका, दो चार 500 इनका। जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं करते हैं, जैसे यूक्रेन और रसिया में चल रहा है, ठीक है, हमास और इजराइल में चल रहा है, ले बंदूक ले बंदूक, तो वो ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, इनसे कराया जा रहा है कि जो अमेरिका में गन लॉबी है, जैसे यहाँ पे आपका पार्ले बिस्किट मिलता है ना, अमेरिका में उसे बंदूक मिलती है, लाइसेंस वहाँ की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ आप एयर बंदूक लेने जाए, जो एयर फायरिंग होती है चिड़िया मारने के लिए, पंचायत मूवी देखे हो ना, उसमें कहता है तो चिड़िया मारने वाली बंदूक है जो प्रधान जी का वो सिक्योरिटी होता है, अगर ये लेने जाएंगे आपको बहुत माथा पच्ची करनी पड़ेगी, लाइसेंस की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा आप क्या करते हैं, कहाँ पे आपका घर है, ऐसा तो नहीं किसी को छर्रा भर करके मार देंगे, भाई मरेगा नहीं लेकिन इंजर तो हो जाएगा ना। तो समझिए कि अमेरिका में ये हाल है, रियल रिवॉल्वर जो है कि आपको ऐसे जाइए पैसा दीजिए लेके जाइए, तो वहाँ पे अमेरिका में जो गन लॉबी है, गन की जो बिजनेसमैन है वो बहुत स्ट्रांग है, सरकार को बदल देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2014 में आए थे, ऐसे नहीं आए थे बहुत ही, क्योंकि ये बिजनेसमैन थे, इनके पीछे गन जो लॉबी थी बहुत अच्छी थी। तो ये 19 में क्यों हट गए 20 में, क्यों, क्योंकि इन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिका की फोर्स बुला लिया, अभी तो तालिबान आए, जब इन्होंने बुला लिया भाई वहाँ तो लड़ाई हो रही थी, बंदूक बिक रही थी, जब बुला लोगे, जब लड़ाई नहीं होगी तो बंदूक कहाँ से बिकेगी, इस वजह से उनको बुला लिए। तो अब हमें ये पता चल कि इतना, अब यहाँ पे रिसर्च होता है, अब हम देखेंगे कितने कॉन्टिनेंट्स हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 कितने हो गए टोटल, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, बस समझ गए। अब इसके आगे अगर जो हम लेकर के चलेंगे आपसे, हालांकि मैपिंग का सवाल हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हमें कोई शौक है, इसलिए कि जब हम आपसे बात करें अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, तो आपके दिमाग में पिक्चर होना चाहिए, अरे अच्छा ये अभी यहाँ पे है, ये यहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम दिन भर यहीं होते हैं, रात को कभी कभी 11 12 बजे तक होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं, हम यही सब देखते हैं, हमें पता होता है भाई यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हमने कहा कि अरल से हमने तुरंत यहाँ पे पेन रख दिया, अरे जियो साइंटिस्ट में पूछा था ऐसे दो कंट्री का नाम बताइए जो अरल सी से लगती है, दो ही कंट्री है ही भाई, दो ही कंट्री का नाम बताएंगे ना, तो ये आपका कजाकिस्तान है, एक उज्बेकिस्तान था। अब अगर मैं पढ़ाऊंगा तो और एडिशन करूंगा, ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान जो आए हैं, कि इनका जो ओरिजिन है कब होता है, 1991 में होता है, 1991 में ये अस्तित्व में आते हैं, कब, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, जब रसिया का 15 पार्ट में बढ़ता है यूएसएसआर, उनमें से 5 ये आपके सेंट्रल एशिया वाले हैं, ये जूता है, देखा मेरा जूता है जापानी हिंदुस्तानी, ये गाना आपका यहाँ पे सेंट्रल एशिया में बहुत पॉपुलर है, आज भी हम लता मंगेशकर के गाने सुनते हैं, किशोर कुमार के गाने सुनते हैं, क्योंकि उनके जो गाने होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसी लाइनें होती हैं, ठीक है, कि वो हमें बहुत बड़ी सीख देती है। हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, आपने चाक डेस्ट और डेस्टर मूवी देखा है, जूही चावला का सपना आदमी का है, टीचर
उसमें कॉन्टेक्स्ट ये होता है, पता जाता है कि तुलसीदास ने माँ चालीसा जो लिखा है उसमें ब्रह्मांड के एक रहस्य बताया है। उस लाइन का नाम क्या है, कौन सी लाइन, जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान गुरु सागर जय के पृष्ठ, जब उसमें जाते हैं युग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताही मधुर फल जानू, जब उनकी माँ ने कहा कि जाओ तो लाल फल खाते थे जाओ खा लो, उन्होंने सूर्य देखा उग रहे थे उन्हीं को निगल लिए, ठीक है। तो हनुमान जी पृथ्वी से सूर्य तक दूरी ट्रेवल किए, योजन पर भानु लियो ताही मधुर फल जानी, तो ये आसमान और पृथ्वी के बीच की दूरी को तुलसीदास 16वीं सदी में ही बता देते हैं, और साइंटिफिक रूप से 200 साल के बाद प्रूफ होता है कि अर्थ और पृथ्वी और जो है कि सूर्य के बीच में दूरी कितनी। तो मूवी देखना गुनाह नहीं है, लेकिन मूवी जेन्युइन होनी। न्यूटन मूवी देखा आपने, राजकुमार राव की, ये 12th फेल, एस्पिरेंट, ये सब आर्टिफिशियल है, ये एक वेब सीरीज बन जाती है। ये जो आपको सीख देंगी ना, वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली डिमोटिवेट करेंगे। संदीप भैया थे, इतना स्ट्रगल कर रहे थे, या दिन में 8 सिगरेट पी रहे हो, 80 रुपये हुआ, 10 रुपये के नीचे सिगरेट नहीं आता, अब बोल रहे हो कि आप गरीब हो, आप किसान फैमिली से आ रहे हो, समझ रहे हो ना, अब कैसे 80 रुपये 100 रुपये का तुम डेली सिगरेट पी रहे हो। नहीं, इकोनॉमिक जो कैपेसिटी बता रहे हो कि एक तो गरीब से आ रहे हो, तो तुम्हें 100 रुपये का डेली सिगरेट पीने का पैसा कहाँ से आ रहा है, समझ रहे हो। 100 रुपये में तो हम लोग खाना खा लेते थे, रात जब हम लोग मेस में खाना खाते थे, बाकी यूनिवर्सिटी में तो फ्री में खाना, जब यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया उसमें क्या होता था, 2400 रुपये लेते थे दोनों टाइम, अब वही 40 रुपये पड़ रहा था पर प्लेट। तो बार हम लोग सोचते थे भाई जो है कि चाय पिया जाए या फिर क्या किया जाए। तो देखिए, एक गरीब होना, एक गरीब बनना अलग अलग, संदीप भैया गरीब नहीं थे, गरीब बने थे, ठीक है। तो ऐसी मूवियाँ आपको दर्द देंगी, देखो वो उतने तकलीफ में भी पढ़ा है, इतने परेशानी में भी हो गया, लेकिन वो परेशानी मूवी है, कहते हैं ना रील और रियल अलग होता है। तो वो आपको उतनी एडुकेट नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं, बस इमोशनल आपको ब्लैकमेल करेंगे। ये बताओ 12th फेल देखा आप लोगों ने, क्या नाम होता है जो होता लड़का, शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, उसके घर में राइफल रखी है, धुंधली रखी, उसका बाप प्रधान है, आज के प्रधानी में देख रहे हो कितना पैसा खर्च होता है, जिसके पास अगर 15 लाख रुपए नहीं है प्रधानी नहीं जीत सकते। आप कैसे कह रहे हो कि हमारे पास राइफल भी रखी है, हमारा फादर जो है कि प्रधान भी है, हम ऐसे कम ग्राउंड से आकर के चक्की में काम कर रहे हैं। ये तो आप एक रील वाले बात कर दिए ना कि भाई बना रहे हो आप अपनी दुकान चलाने के लिए, तो वो आपको सीख नहीं देंगी। जितना आपको जो थीम के आधार पे बेस्ड है, न्यूटन मूवी जो है, राजकुमार राव की मूवी, मनोज त्रिपाठी, ये त्रिपाठी होते क्या नाम है इनका, जो कालीन भैया होते क्या नाम है उनका, पंकज त्रिपाठी, ठीक है, वो उसमें रोल करते हैं। तो उसमें आप जब देखेंगे तो एक चीज़ आपको पता चलेगी कि ट्राइबल्स एरिया में जब हम वोटिंग करवाते हैं तो कैसे होती है वोटिंग। एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है ना राजकुमार राव, उसमें देखिएगा कभी, ठीक है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर के साथ पावर क्या होती है, समझ रहे। तो आप वैसी मूवी देखिए जो थीम के आधार पे बेस्ड, ये नहीं कि आपका किसी की बायोग्राफी पे बन गए, ठीक है, ऐसा क्या वो कभी गलत काम नहीं किए होंगे। ये कहीं ऐसी मूवी जो बनी है कि रियल में किसी की बायोग्राफी पे बनी है, गांधी माई फादर फॉरेनर राइटर हैं, उन्होंने लिखा है मूवी, बहुत अच्छी मूवी बनी है, उसमें गांधी जी के लाइफ में उतार चढ़ाव कुछ लिखा, उनका एक हीरा लाल लड़का होता है, धर्म चेंज कर लेता है, वो चीज़ें होती हैं। आप रियलिटी को पीछे मत छोड़िए और उसको साथ लेकर,
ठीक है, तो ये सब वाली चक्कर छोड़िए, कोई वेब सीरीज आ रही है वो आ रही है, ऐसा नहीं। तो आपका तो ये तो पेशेंस भी, आपकी क्षमता भी कम कर दे रहे हैं ना। 45 मिनट की आ रही है, देख करके उठ जा रहे हो। पहले 2.5 घंटे की मूवी आती थी, तो वो आपको स्टेमिना देती थी कि आप एग्जाम हॉल में भी एक बार 2 घंटे बैठ जाइए। ठीक है, एग्जाम पहले क्या होता था, हम लोग कहते हैं भाई चलो एग्जाम है दे लेते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं क्लास एग्जाम के बीच में। आज पता ही नहीं चलता है कि 2 घंटा कब बीत गया। ये 2 घंटा तो छोड़िए, जब मेंस लिखते हैं हम लोग, वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे BA BSc में लिखा जाता है। ठीक है, और उसमें 3 घंटा 9 से लेके 12, 2 से लेके 5, ठीक है, जो 6 घंटा होता है, तीन पता ही नहीं चलता है कि घड़ी कितनी तेजी से भाग रही है। तो एक बेस अपना स्ट्रांग बनाइए और उस पर काम करिए। एक दिन में नहीं, 4 महीना 6 महीना लगेगा टाइम। जब आप बेस अच्छे से बन जाएगी ना, तब जब आप खड़े होंगे, आपको आगे से गुजरता हुआ हर एक पिक्चर आपको अपने एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंस हो। ठीक है, अभी देखिए कुछ समय पहले हुआ था, पेट्रोल पे लाइन लग गई थी क्योंकि ट्रक वाले स्ट्राइक कर दिए। आपको जोड़ना है यहाँ पे लाइन लगना, ट्रक वालों को स्ट्राइक करना, रन एंड हीट का जो लॉ आया था, तीनों को जोड़ना होगा ना। पहले यहाँ से शुरू करिए, लोगों की इतनी मेंटालिटी है कि भाई तेल भरवा लो, नहीं तेल आएगा ही नहीं। अरे भैया एक दिन आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, इतना ही ना, तुम एक्स्ट्रा भरवा करके 2 महीने का रख रहे हो। ये तो मूर्खता पहले आम आदमी लोगों की। दूसरी जो ट्रक वाले जो स्ट्राइक कर रहे हैं रन एंड हिट में, वो ट्रक वाले किसी को धक्का मार के भाग जाते हैं, तो इस वजह से नहीं भागते हैं कि वो उनको प्रेम नहीं है, जान का वो नहीं है। वो हम आपकी जान तभी बचा पाएंगे ना जब मैं जिंदा रहूंगा, तो इसलिए नहीं भागते हैं कि उसको मारना था, वो इसलिए भागते हैं पब्लिक मार डालेगी उनको। ठीक है, तो सरकार को भी सोचना चाहिए, रन हिट में ड्राइवरों का भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, लिंक है। ऐसे जब आप 4 दिन 6 दिन 10 दिन एक बार एनालिसिस करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे, या रोड पे चलते पैदल चलिए, ऑटो मत करिए, तभी लाएंगे देखेंगे, और ऑटो वाले आपके सामने खड़ा करके पूछेंगे, लगेगा वो उठा के बैठा देंगे आपको। तो ये सभी चीज़ें आपको सीख देंगे। ये कॉन्टिनेंट की हमने बात किया, जो महाद्वीप हो गया, बात हो गए। ठीक है, अब जो ओशन होते हैं, महासागर, महासागर का प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर है ना। तो हिंद महासागर या इंडियन ओशन, यहाँ पे देखेंगे इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है किसी कंट्री के नाम पे बनाया गया, क्या है, इंडिया, इंडियन ओशन है, ऐसा ही एक ओशन है। बाकी क्या है आपका, पैसिफिक ओशन, आधा इधर है और आधा इस साइड। जब हम मैप देखते तो ऐसे खुला होता है ना, पृथ्वी तुम्हारी गोल है। ठीक है, तो ये जो अंगूठे वाला पीछे का पार्ट है, जब हम मैप खोलते हैं, आधा इधर आता है आधा इधर आता है। ठीक है, इस मैप को हम अभी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कि भाई इंडिया में 11:30 बज रहा है, 10:30 बज रहा है, अमेरिका में कितना बज रहा होगा, लंदन में कितना हो रहा है, हम क्यों कहते हैं कि भाई वहाँ पे मैच हो रहा है लंदन में, इंडिया में डे नाइट होगा, कहते हैं ना डे नाइट मैच होता है। आपको सब चीज़ें पता चलेंगी कि नहीं। अब कौन ओशन की बात करें, एक इंडिया हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, ये आपका पूरा अटलांटिक ओशन हो गया। ठीक है, एक आपका आर्कटिक, ये आर्कटिक ओशन हो गया। और अभी 2-3 साल पहले एक ओशन का और खोज हुई, इसको हम कहते हैं, ये आपका साउदर्न ओशन। ठीक है, आप देखिए, एक पैसिफिक हो गया, दूसरा अटलांटिक हो गया, तीसरा आपका इंडिया हो गया, चौथा आपका अटलांटिक आर्कटिक हो गया, और पांचवा साउथ, इसमें में पांच हो गए। और कॉन्टिनेंट कितने थे, वहाँ थे 7 थे, और ये कितने हो गए, ये कक्षा 6 का सवाल है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक कक्षा 6 का सवाल जब NCERT खोलेंगे आप, ठीक है, उसमें यही दिया गया कितने कॉन्टिनेंट महासागर हैं, कितने सागर हैं, कितने द्वीप, कितने महा। आपने एक वर्ड और सुना होगा यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, जिसने कहा, हमने कहा ओशियन महासागर,
महासागर और सी। अब इसमें हम आपको अंतर बताते हैं। आपने रीजनिंग पढ़ा है आप लोगों ने कभी? रीजनिंग कहते हैं ना, सभी गधे भेड़ हैं, लॉजिकल रीजनिंग, कुछ गधे भेड़ हैं, कुछ जो है कि बकरी हैं, ऐसा आता है। तो ऐसे ही देखिए जो बड़ा वाला है ये क्या आपका एक ओशन में कई सी हो सकते हैं, एक महासागर। महा महादेव का नाम सुना होगा आपने ना, महादेव विश्वनाथ। तो जब महा का नाम आता है तो पूरा होता है, उसी में आता है। अब समझ गए सागर महासागर में अंतर। अब एक वर्ड मैं और आपको बताया था, गल्फ। गल्फ और बे दो वर्ड यहाँ पे हम यूज कर देंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगी आपको। आपने ज्योग्राफी का, आपके स्टूडेंट्स हैं, गल्फ और बे के बारे में आज अंतर पता चलेगा। गल्फ बे ने कहा, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी इसको बोलेंगे, सॉरी इसको बोलेंगे। हिंदी में थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाता है हमसे। गल्फ है ये। अब इसमें इसको पढ़ना है तो आप ऐसे देख सकते हो, जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हो, इधर भी लैंड हो और यहाँ पे नीचे पे क्या हो आपका, पानी। तीन तरफ से अगर वो किसी भूमि से अगर घिरा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, गल्फ, राइट। तो अब बे ऑफ बंगाल को देखें, मैं मैप दिखा देता हूँ आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो, यही तो है आपका, इस तरफ एक घिरा हुआ है, इस तरफ घिरा हुआ है, घिरा हुआ, और नीचे आपका इंडियन ओशन आ जा रहा है, बस समझ गए। अब जब ये बे के बारे में पढ़ लिया आपने तो गल्फ के बारे में पढ़ लीजिए। गल्फ ऑफ खंभा, गल्फ ऑफ कच्छ का नाम सुना है आपने, गुजरात में पढ़ जाता। तो ये क्या होता है, ये भी तीन तरफ से घिरा होता है लेकिन इसकी एरिया बहुत पतली होती है, पानी देना चाहता हूँ। आप समझ रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कोई सिलेक्टेड अभी स्टूडेंट्स होगा आपका जानने वाला, ज्योग्राफी का एक्सपर्ट, उससे गल्फ और बे के बारे में पूछ, नहीं बता पाए क्योंकि तो हम लोग भी इस फेज से गुजरे थे, ठीक है, हम लोगों को भी नहीं पता चलता था। लेकिन जब होता है ना कि जब आप कुएं से बाहर निकलेंगे तब पता चलता है, कुआं के अलावा भी पानी की जो कि टंकियां हैं, क्यों कहते हैं कुएं का मेढक, समझ रहे, कहते हैं कि कुएं में मेढक होता है, जो है कि समुंदर का मेढक गलती से कुएं में आ जाता है, उससे पूछता है तुम कहाँ से, है कि हम तो जो कि समुद्र से आ रहे हैं, भी बड़ा है क्या उधर ये जो कॉन्सेप्ट है कुएं का मेढक यहीं से है। और इसका मुहावरा ये जो है, तो हिंदू कहते हैं नहीं समझ में आती है, तो मुहावरे जो होते हैं ना इसका यही मतलब होता, संकुचित सोच, जितने में है उतना हमको अपने आप को वहां समझ, संकुचित सोच होती है, मतलब निगेटिव सेंस में इसको लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये बे और गल्फ के बारे में बोले, और ओशन के बारे में हम बात, और दूसरा आज जो मैं अभी बात करूंगा आप लोगों से लास्ट सेक्शन, जो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग होते हैं, यूराल के बारे में किया, ये यूरोप और जो कि
एशिया को अलग कर रहा है रशिया में रह करके, तो वैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एशिया से कौन अलग कर रहा है तो भी मैं आपको बताऊंगा। कि आपने कभी इसके बारे में क्या बोलते हैं पनामा नहर के बारे में सुना आपने? बहुत न्यूज़ में थी, बता रहा हूँ मैं। और ये दोनों यहाँ पे देखिएगा आप लोग, हमने कहा ये यूराल माउंटेन हुआ, इसको यूरोप एशिया को अलग कर रहा है, एशिया को। और कहाँ पे है ये? रसिया में। और रसिया जो है ये आपका यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है, ठीक है। और रसिया 1990-91 से पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, इसको सोवियत संघ बोलते थे। आपको यहाँ से मिल जाएगा कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन विघटन कब हुआ, 1991 में। और जब ये बटा तो 15 भागों में, जैसे इंडिया को, हालांकि संभव नहीं है इंडिया को बटवाना, भले ही जो खालिस्तान लोग हैं अलग से मांग, तमिल वाले अलग, इंडिया का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना कि तो इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। जब हम आपको इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री एक साथ बताएंगे ना, तब आपको मज़ा आएगा कि तमिल लोग क्यों काला दिखते हैं जबकि वो संस्कृत पढ़ते हैं। तमिल और काशी संगम अभी हुआ था 2023 में बनारस में, उसके पीछे कहानी क्या है, ठीक है। जब आप बनारस जाएंगे तो उसमें बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी, ठीक है, न्यूज़ में भी आया था, काशी और तमिल का संगम। उसको आपको मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाएंगे और आपका आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपने एक बार नाम सुना होगा नरेंद्र मोदी और उसके बाद जो कि चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग आए थे, मलालापुरम में गए थे, लोग नारियल पानी पी रहे थे, हो सकता है आप लोग होश नहीं संभाले रहे हों वहाँ पे। तो मलालापुरम का क्या चाइना के साथ रिलेशन है? चाइना के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे क्यों गए? क्यों? क्योंकि चाइना में भी बुद्धिज्म है, बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जिसको बोलते बौद्ध है ना लोग, बौद्ध धर्म का जो ओरिजिन है वो कौन है? और भारत बौद्ध धर्म हिंदू का ही ये छोटा, और बौद्ध धर्म जैन धर्म ये हिंदू धर्म से ही निकले हैं। तो अब यहाँ पे हमने यूराल के बारे में, दूसरा हम कह रहे हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एशिया कॉन्टिनेंट को कौन अलग कर रहा है, ये आपका स्वेज कनाल, स्वेज नहर, इंग्लिश में उसको कैनाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहर, ठीक। अब आइए यूरोप को अफ्रीका को कौन अलग कर रहा है, ये आपकी जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर, अभी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन अलग करता है? पनामा, पनामा कैनाल, पनामा पेपर के बारे में आप लोग सुना है? ये 2-3 दिन पहले भी न्यूज में था, जो नवाज शरीफ हैं प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, पर पनामा पेपर का जो कि केस चल रहा है, ताकि 5-6 साल पहले आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, अब भी आया था पनामा पेपर का लिंक, तो उसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम आया था, ठीक है, ऐश्वर्या राय का भी नाम आया था। इसको बंद कर दिया गया है, पाकिस्तान में चल रहा है, ठीक है। तो पनामा पेपर एक ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन था, पनामा, पनामा एक सिटी भी है, पनामा नहर भी है, ये पनामा नहर आपका इनको अलग करती है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को, लेकिन कनेक्ट किसको करती है? पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से। तो आपके दिमाग में क्या ये नेचुरल है, प्रकृति ने बना रखा है? नहीं, मानव ने बनाया है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहर बन गई तो अगर मान लीजिए आपका कैलिफोर्निया से अगर इनको जाना है यहाँ पे या फिर यहाँ पे जाना है, तो अगर ये नहर नहीं होती तो यहाँ से आते यहाँ, यहाँ से यहाँ कई महीने लग जाते, नहर की खुदाई कर दी, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पहुंच गए।
वास्को डिगामा भारत आया, ठीक देखो है ना, हम कहते हैं कि वास्को डिगामा भारत को खोजा, तो भारत कहीं खो गया था क्या? मतलब ये है कि इससे पहले लोग भारत के बारे में जानते थे लेकिन किसी और रास्ते से आकर के उसको जानते थे। ये सेंटर दिल्ली आपको आना है, बंगला बाजार से आइए, हो सकता है कि आप तेलीबाग से उधर से घूम के बिजनौर से आइए, कब जब ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो वैसे ही जब वास्को डिगामा भारत आया उससे पहले लोग इंडिया को लैंड के माध्यम से जानते थे, ठीक है, भूमिगत रास्ते से लोग जानते थे। जब सरकार बदल गई तो उसने कहा भैया हम अपने रास्ते से नहीं जाने देंगे, हमने यही रास्ता बना दे अपने ऑफिस के सामने, हम कहते हैं ईमानदार चाय वाला भाई इधर से कोई नहीं जाएगा यार, तो फिर दूसरा रास्ता खोजेंगे ना वो। तो वैसे ही यहाँ पे एक ऑटोमन साम्राज्य था, जैसे मोदी साम्राज्य है इस समय चल रहा, आज से 500 साल पहले की बात करें 1600 1500 में, उस समय जो है कि ओटोमन साम्राज्य आया, तो वो कहा कि भाई हम यहाँ से व्यापार नहीं करने देंगे, अगर आप करेंगे तो हम 100 रुपये 100% अब ज़्यादा टैक्स लेंगे। इन्होंने कहा भैया तो हमें बचेगा क्या, सामान महंगे हो जाए। तो वास्को डिगामा मैप मैप लिए और ऐसे घूमते घूमते यहाँ से खोज लिए, तो तब भी इनको फायदा लोगों को हुआ। लेकिन हुआ भाई, अगर आदमी के पास साइकिल है 2 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर तो 4 व्हीलर चाहिए, एक 4 व्हीलर है तो 2 2 4 व्हीलर चाहिए। आदमी को जितनी सुविधा दीजिए उतना है। आप लोगों के पास डिक्शनरी नहीं होगी, होगी लेकिन हमारे ज़माने में लोग दो दो तीन तीन डिक्शनरी रखते थे, ऑक्सफोर्ड की कैम्ब्रिज की, क्यों? क्योंकि डिजिटल का ज़माना ही नहीं था। और उसी बहाने हम एक वर्ड मीनिंग खोजते खोजते ना दो चार और खोज लेते थे, तो उससे फ़ायदा था। आज के ज़माने में तो भाई गूगल पे ऐसे बोल दीजिए, टाइप नहीं करने आ रहा बोल दीजिए आ जाता, आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं तो वो दो अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर दे, क्योंकि ये अब एडवांसमेंट हो गया है किसमें, टेक्नोलॉजी में, जिसको हम क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीटीपी का नाम सुना आपने? तो जीटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, प्री ट्रेंड गूगल, जो जीपीटी है इसमें चैट जीटीपी का फुल फॉर्म। तो कहने का मतलब है आपको हर कदम अलर्ट रहना पड़ेगा कहाँ से सवाल पूछे देगा। तो अब देखिए यहाँ से पनामा इसको कर लिए, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। तो रसिया या एशिया या फिर नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है। तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कौन अलग कर रहा है? तो बेरिंग स्ट्रेट है ये, ठीक है, क्या है? बेरिंग स्ट्रेट, कल हो सकता है मैं यहीं से आपको 4 5 MCQs दे दूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो अभी तक मैंने बताया थोड़ा सा और ऐड करता हूँ मैं आपको। मैंने कहा स्वेज कैनाल जो है कि एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, लेकिन जोड़ता किसको है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को, ठीक। अब जिब्राल्टर स्ट्रेट किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर महासागर को, लेकिन अलग किसको करता है? यूरोप और जो है कि अफ्रीका को करता है। पनामा किसको जोड़ रहा है? पैसिफिक और जो है कि अटलांटिक को, और अलग किसको कर रहा है? साउथ, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। अब हम आपको नोट्स बना के यहाँ पे दे रहे हैं, अब नोट्स उसको कर लीजिएगा क्योंकि भविष्य में आपको काम देगा। देखिए महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, कितना हमने पढ़ा था? 7 है, नंबर लिखते हैं। उत्तरी अमेरिका, अमेरिका जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका हो गया। दूसरा दक्षिण अमेरिका, अमेरिका इंग्लिश में इसको कहते हैं साउथ
अमेरिका, अब तीसरा आते हैं हम यहाँ पे देखते हैं, हमने अफ्रीका के बारे में पढ़ा था, अफ्रीका इसमें भी इसको अफ्रीका ही बोलते हैं, अफ्रीका हो गया। चौथा यूरोप, यूरोप के बारे में इसको भी यूरोप लिख लीजिए। पांचवा हमने लिखा था एशिया, एशिया महाद्वीप, और छठा हमने किसका किया था, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और लास्ट में हमने क्या किया था, साथ हो गया कॉन्टिनेंट। अब हमें कभी नहीं पता, लेकिन आप इसी लगे हाथ इनको कौन अलग करता है, कौन जोड़ता है, यही कर ले हम लोग, दूसरे कलर से कर लेंगे। तो आपको क्या है ना, बस उसी जैसे मैं यहाँ पे एरो देके बनाऊंगा वैसे आप कर लेंगे, तो विजुलाइज हो जाएगा। देख सकें, अब सवाल आता है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को कौन अलग कर रहा था, पनामा, पनामा कैनाल हो गया। अब नॉर्थ अमेरिका को एशिया से कौन, कहाँ गया एशिया, यहाँ है एशिया, कौन अलग कर रहा था, बेरिंग स्ट्रेट, क्लियरिटी हो गई आपको, ठीक है। देखिए ऐसे पढ़ने, जो हमारी नोट्स होती है ना ऐसे डायग्राम में होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन तो बुक लिख के दे रही हैं, समझ रहे हो आप। आप कोई भी लूसेंट ले लीजिए या फिर परीक्षा हमारी लाइन बाय लिख के, लेकिन यही तो हमारी नोट्स काम देखिए, एक बार हमारे आंखों के सामने से गुजरा फिर कभी नहीं भूलेंगे। कल देखिए सवाल आपको पाँच बना के देंगे, मैं श्योर हूँ कि आप पाँचों करेंगे, भले लैंग्वेज में चेंज कर दूँ, ठीक है, क्योंकि मैं लैंग्वेज चेंज करूँगा, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, हमें खुद हैप्पीनेस नहीं फील करना है कि हमने यहाँ कर लिया, हमें वहाँ जब क्लियर कर लेंगे यूनिफॉर्म रहेगी तब हम, ये हमने कर लिया। अब देखिए अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करता है, जिब्राल्टर कि जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है, हो गया। अब यूरोप और एशिया को कौन कर रहा है, यूराल, तो पहले मैंने बताया था यूराल माउंटेन, समझ गए। और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बहुत अलग हैं, देखेंगे आप तो एकदम इनसे कोई मतलब नहीं, देखिए आप ये यहाँ पे से यहाँ पे दिखा दिखा, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं, देखिए यहाँ पे ये नया मैप है, ठीक है, लेटेस्ट, इसलिए दिखा दिखा दिखा, साउदर्न ओशन, ठीक है। अगर आप पुराना मैप देखेंगे ना 2 साल पुराना, आपको ये नहीं दिखा दिखेगा, ठीक है, देखिए। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया है आपका यहाँ पे, कोई रिलेशन नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ें पता चाहिए। लेकिन अभी हमने अपनी स्टडी को पूरा नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमने तो अभी अलग होने की बात की है, जुड़ने की बात नहीं किया है। तो पनामा किसको जोड़ता है, आपका पैसिफिक, ठीक है, प्रशांत, प्रशांत महासागर प्लस अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर को, बात समझ गए। अब आते हैं जो जिब्राल्टर है इसको जोड़ता है आपका, जोड़ता है अफ्रीका और यूरोप को, अलग करता है अफ्रीका, जोड़ता है किसको, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक
अटलांटिक ओशन को, जिसको कहते हैं हिंदी में भूमध्य सागर एंड अटलांटिक, अटलांटिक महासागर को एक करती है। ठीक है, अब देखिए, बेरिंग स्ट्रेट प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर को, यहाँ पे देख रहे हैं ये है ना, यहाँ पे ये आपका यहाँ हो गया, और ये तो ये बेरिंग है आपका प्रशांत, तो इंग्लिश में कहते हैं पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन, प्लस आर्कटिक ओशन को जोड़ती है। अब यूराल तो जोड़ती नहीं है क्योंकि लैंड पे है, माउंटेन है। ठीक, अभी एक चीज हम छोड़ रहे हैं, कौन, एशिया और यूरो, सॉरी अफ्रीका को, एशिया और अफ्रीका, मैंने ये गलत किया है, यूरोप कहाँ, ठीक है ठीक है, एशिया और जो कि अफ्रीका को स्वेज कैनाल ने पढ़ाया था, तो जो ये एक सेकेंड, अफ्रीका यहाँ ये और एशिया, स्विच कैनाल किसको अलग करती है, बात समझ गए, और जोड़ती किसको है, लाल सागर और भूमध्य सागर, रेड सी और मेडिटेरियन सी को, आप स्विच, जैसे स्विच नहर के, और ये मेडिटेरियन सी प्लस रेड सी को जो कि कनेक्ट करती है। ठीक है, इतना हमने आज मैपिंग का पढ़ा, और आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है, कोई डाउट्स है इसमें, ठीक है, तो कल एक बार आप लोग एक चीज़ और करिएगा कि मैपिंग एटलस होगा आप लोगों के पास, कहीं से पुराना धुराना अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, और हो सकेगा तो फिर मैं आपको व्हाट्सअप कर देंगे हम, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन फिजिकल फॉर्म में मिल जाएगा ना एटलस, ऑक्सफोर्ड का या स्कूल एटलस, तो कहीं से ले लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ हमें अभी भी काम देगी, जब जॉब लग जाएगी देगी, ऐसा नहीं कि हमें अभी ही काम दे, तो अब यहाँ से हो जाए, अब जब आगे हम पढ़ेंगे, अब कल हम ये पढ़ेंगे मैपिंग के थ्रू क्या क्या न्यूज में चल रही है, यूक्रेन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि तो आईएएस में सवाल पूछा था यूक्रेन कौन कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता है, यूक्रेन देख रहे हैं, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, तो हम ऐसे फिर पढ़ेंगे मैपिंग का, और इसी के साथ नई नई जो चीज़ें ऐड हो रही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों एक्शन लिया, तो हम डे बाई डे, एक ही दिन में ज़्यादा वर्कलोड नहीं देंगे, डे बाई डे हम करते चलेंगे, जिससे हमें पढ़ने में मतलब मज़ा आए, ऐसा नहीं कि हम बर्डन लेकर के कर ले और आपका पूरा पेज पे पेज भरवाते चलें, भाई अब मार्केट में जाओ या बहुत बुक पढ़ी है अच्छे अच्छे राइटर की, लेकिन हमें तो वैसा चाहिए ना कि भाई 500 पेज की बुक्स 5 पेज में नोट्स बना के दे दे, देखिए 4 लाइन भी नहीं लिखे आप लोग, उतना बड़ा विश्व का मैप का बना करके रख दिए, आपको कभी नहीं भूलेगा, कल सवाल देंगे थोड़ा सा घुमा के देंगे, हम घुमा के इसलिए देंगे कि एग्जाम में भी ऐसा पूछ सकता है, सीधे सीधे तो बता दिया, जब घुमा के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके लिए नहीं है, इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है, जैसे फॉलोइंग द मैच, पीएससी का बाद फेवरेट इस तरह का क्वेश्चन होते हैं, तो पीएससी एक्सपेरिमेंट करती है, बाकी एग्जाम उसको, राइट, आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, कल फिर हम लोग 9 बजे सेम टाइम सेम प्लेस मिलेंगे, तभी जो कि हमारी स्टडी क्वालिटी बेस्ड होगी, राइट, तो थैंक यू फॉर द डिस्कशन।